रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो ऑनलाइन अर्निंग पे, कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कोई ना शॉर्ट वे बताओ, शॉर्टकट बताओ जहाँ से हम अर्निंग कर सकें बहुत ज़्यादा, जो है ना, यानी कि बगैर मेहनत के, जैसे कह लें आप लोग, कहते हैं लोग। तो इसके लिए भी प्लेटफॉर्म्स हैं और काफ़ी सारे हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और इसमें आ जाती है ट्रेडिंग, ठीक है ना, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, अक्सर लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑक्टाएफएक्स चल रहा है, इसके अलावा एक्जनस भी चल रहा है, एक्सपर्ट ऑप्शन चल रहा है, इसके बाद एफबीएस है और काफ़ी जो ब्रोकर्स हैं वो चल रहे हैं यहाँ पे। तो उनका अकाउंट बनाएं, वहाँ पे डिपॉजिट करवाएं और अच्छे से जो है आप कमाई कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, आज की वीडियो मैं ऑक्टाएफएक्स का अकाउंट क्रिएट करने के रिलेटेड बना रहा हूँ कि इसका अकाउंट आपने क्रिएट किस तरह से करना है, ठीक है, और क्रिएट करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन किस तरह से और सारी जो चीज़ें उसके ऊपर डिटेल में ज़रा से बात करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप मोबाइल पर किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप मोबाइल पर ईजिली बना सकें, कंप्यूटर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। और इसके बाद मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूँगा जहाँ पर आप क्लिक करते ही सीधा आप ऑक्टाएफएक्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे या एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी और आप इजीली जो उसको अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको सारी जो वीडियोस हैं मिलती रहा करें। और चलिए ज़रा मोबाइल स्क्रीन पे जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ऑक्टाएफएक्स का अकाउंट वो क्रिएट किस तरह किया जाता है और उसकी वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, ठीक है जी। हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर अब मैं आपको ना तरीकेकार बताता हूँ कि ऑक्टाएफएक्स का अपने अकाउंट साइनअप किस तरह से करना है ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है और ऑक्टाएफएक्स की ये एप्लीकेशन कर लेनी है। ऑक्टाएफएक्स आपके सामने खड़ी है, ये एप्लीकेशन का आपने गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आपने ऑक्टा लिख दें या ऑक्टाएफएक्स नाम लिख दें और इसको सर्च करें तो ये एप्लीकेशन है। इस सामने ओआरसी बना हुआ, पीछे ब्लू बैकग्राउंड है इसका जो लोगो है, ये आपके सामने ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप, ठीक है। ये आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली, उसके बाद जो आपके पास लिंक आया खड़ा है ना, रेफरल लिंक कह लें, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आपने इस लिंक को जहाँ के क्लिक कर देना है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपसे ये मांगेगा कि लॉगिन करें, यहाँ पर लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक और लॉगिन विद ईमेल। पहली चीज़ तो आ गई, ये लॉगिन मांग रहा है, लेकिन हमने लॉगिन कैसे करना है भाई, आईडी तो बनी नहीं। अब हम करेंगे साइनअप, साइनअप के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। हम इसको साइनअप जो है मेरे ख्याल डायरेक्ट इसको गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट अपना ईमेल बनाना चाह रहे हैं बकायदा अकाउंट, तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे। मैं वैसे छोटे भाई की बना रहा हूँ तो मैंने कहा वीडियो भी बना लें यार, दोस्तों को पता चल जाना चाहिए भी किस तरह से बनता है। तो ये मैं नेम लिख रहा हूँ उसका, ठीक है, मुनीबुल्ला। और ईमेल जो है मुनीब, ईमेल munib.syal.549@gmail.com, ये ईमेल आ गया। यहाँ पे जो हमने अपना पासवर्ड सेट करना है, तो अभी हम इसको कुछ सिंपल सा जो पासवर्ड है वो रख देंगे, बाद में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए मैंने फिर सिंपल ही रखा है। तो हमने ये इसको कंफर्म किया, जो चेक कैसे चेक इस बॉक्स को और ओपन अकाउंट, ठीक है, सिंपल प्रोसीजर है। आपने इसको किया, अब आपका ईमेल जो है उसमें चला गया ईमेल, इसका क्लेरिफिकेशन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल जो है वो हमने जाके वहाँ से उसको वेरीफाई करना है, तब ही हमारा जो है ये अकाउंट वेरीफाई होगा। ये 1 2 3 4 5 ओके, और लॉगिन, ये देखें उन्होंने कहा जी ईमेल आपको कर दिया, आप वहाँ जाके चेक करें लिंक को। हमने खोला जीमेल, जीमेल में जाएंगे, जीमेल में जाके आपको ईमेल आया पड़ा होगा, ठीक है। ये देखें ऑक्टाएफएक्स, ये कह रहे हैं मुनीब कंफर्म योर ईमेल टू स्टार्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, ठीक है, यानी कि स्टार्टअप के लिए अब जहरी बात है अकाउंट कोई भी हम कहीं भी बनाते हैं तो हमें कंफर्म करना पड़ता है ईमेल से जाके फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन होती है या उसके बाद जो आईडी पर वेरिफिकेशन, हर चीज़ बाद में होती है, ठीक है। पहला काम तो हमें कंफर्म करना होता है ईमेल से, हमने ईमेल से कंफर्म पे क्लिक किया और ये हमारा दोबारा से लॉगिन पे आ गया। अब साइन अप करने का पूरा तरीक़ेकार क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगने की जी आपकी कंट्री कौन सी है, तो कंट्री ऑब्वियसली पाकिस्तान, ठीक है,
इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, इंडिया में से आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। अगर बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश में करें। अगर किसी और हैं आप मुल्क से, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे, अगर उर्दू समझ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और ये सिटी सिटी है जी हमारी, फैसलाबाद, फैसलाबाद, ठीक हो गया। स्ट्रीट एड्रेस मैं बस तांदले वाला लिख दूँगा, सॉरी स्पेल गलत हो गया, ओके तांदले वाला, क्योंकि ज़्यादा एड्रेस जो लंबी लाइन, आप अपना हाउस नंबर और वो सारा कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और ये मैं मोबाइल नंबर यहाँ वेरीफाई कर रहा हूँ, 1 2 5 4 9, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपने इसको ईयर वाले पे चले जाएंगे और ईयर पे जाके 2002 और 24/7 सितंबर और अगस्त और जुलाई, जुलाई 24, ओके। अच्छा, एक चीज़ ख़ास ख्याल रखनी है, हर चीज़ जो है उसको आपने जेन्युइन ही देना है, अपना नेम देना है, जो कार्ड नंबर देना है, एवरीथिंग आपने जेन्युइन देनी है जब भी आपको अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। हैव यू ट्रेडेड बिफोर फॉरेक्स बिफोर, अगर तो आप नए हैं तो आप इसको नो पे क्लिक करेंगे, अगर आपने पहले किया तो आप येस पे क्लिक करेंगे, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली बात है ना, ठीक है। तो मैं नो इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे ने अभी तक ट्रेड नहीं की और उसका अकाउंट बना रहा हूँ, सो हमें सीधी बात बतानी चाहिए कि भाई ट्रेड नहीं की उसने, ठीक है ना। अब आ गया अकाउंट, अब अकाउंट यहाँ ये पहले क्रिएट करवा देंगे, ऑक्टा एफएक्स MT4, ये दो एप्लीकेशन है, MT4 एंड MT5, ठीक है, ये आपके सामने। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं स्प्रेड फ्रॉम 0 to 6 पिप्स, ठीक है। मिनिमम डिपॉजिट $25 का है, फेवरेबल 100 होना चाहिए, मैक्सिमम लेवरेज 1.1 और 500 की है, नो स्वैप्स, नो कमीशन, इंस्ट्रूमेंट्स 49 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और अगर MT5 की बात करें, पिप्स सेम, डिपॉजिट सेम, लेवरेज सेम, सो नो स्वैप, नो कमीशन, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 55 है यहाँ पे, उसमें 49 है या 55, 6 जो हैं उनका है चेंजिंग है। लेकिन आप अगर परमानेंट ये काम करना चाह रहे हैं तो हमारी प्रेफरेंस हासिल होती है MT4 की, तो MT4 का हम अकाउंट बना लेते हैं, आप बाद में बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अकाउंट टाइप रियल डेमो, हमने बनाना है रियल अकाउंट, करेंसी USD, लेवरेज 500 पर रखी हुई है, 500 पर रहने दें, जिसने भाई तसल्ली से फुल रिस्की होकर करनी है, आप इसको कम करके, वैसे ये एक नस्बत एक, एक नस्बत पाँच, एक नस्बत 15, कम जितने आप करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हम एक नस्बत 500 ही रख रहे हैं। क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये जी हमारा जो है, योर रियल अकाउंट इज़ रेडी, नाउ यू कैन ऐड मनी टू इट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। ये लॉगिन आ गया है मेरा, लॉगिन कोड कोड नहीं आया, ये जो मेरे पास है अकाउंट नंबर है, मेरे रियल अकाउंट का, इस आईडी का ये अकाउंट नंबर है, जो हम मेटा ट्रेडर 4 में या 5 में जिसका आप अकाउंट बनाएंगे वहाँ जाके लॉगिन में देंगे और नीचे उसके पासवर्ड देंगे, पासवर्ड हमें आता है ईमेल, ये देखें मोबाइल में ईमेल में पासवर्ड जो है वो हमें आ चुका है, योर न्यू अकाउंट डिटेल्स ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ कि अंदर ये इन्होंने हमें शो करा दिया, यहाँ पे ईमेल पे ये पासवर्ड, ऑक्टाफेक्स पिन, ये दोनों चीज़ें आ गई, ठीक है, पासवर्ड और पिन दोनों चीज़ें आ गई। और ये पिन को आपने ख़ास कर संभाल के रखना है, ये आगे भी आपको काम आएगा, जो आपका अकाउंट पिन आपको आएगा, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, हमने नेम दे दिया, हमने अपनी एड्रेस वगैरह जो वो वेरीफाई कर लिया, मोबाइल नंबर भी उनको दे दिया, ठीक है। अब आपने अगर डिपॉजिट करना है तो यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाएंगे, मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो बाद में बनाऊंगा, अभी फ़िलहाल तो मुश्किल है, ठीक है। कॉन्टेस्ट अकाउंट डेमो, उनके कॉन्टेस्ट भी आते रहते हैं, आप कॉन्टेस्ट अकाउंट जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, नीचे प्लस का निशान है, यहीं पर हो जाएगा, मोबाइल में हो जाएगा। डेमो अकाउंट, इस पर हम प्लस करते हैं, ये डेमो अकाउंट बनाया, ठीक है। USD लेवरेज और ये बैलेंस अपनी मर्ज़ी से हम जितना मर्ज़ी ऐड कर लें, हम इनको कहते हैं जी हमें 20,000 दे दो, 20,000 हमने करके क्रिएट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये पासवर्ड भी आ गया और ये लॉगिन आ गया और हमने जो है ये चेक योर इनबॉक्स फॉर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडेंशियल्स, इसका भी पासवर्ड जो है मेरे ईमेल पे चला गया, ठीक है ना, इसको मैं लेटर में कर देता हूँ। अब ये मेरे पास रियल अकाउंट भी एक है, ओपन हो चुका है, मैं यहाँ से इसको ट्रेड पे दबाऊँ और मुझसे पूछेगा कि द ऑक्टाफेक्स ट्रेडिंग ऐप पर आप करना चाह रहे हैं या मेटा ट्रेडर 4 पर करना चाह रहे हैं, हुई तो मेरे पास वो भी है, लेकिन उधर के लिए हमें पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉपी ट्रेड, ये सॉरी अभी मेरा इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल कर लें और यहाँ से आप डायरेक्ट, यानी कि आपका पासवर्ड और ईमेल ही आपका आ गया, ये लेके आप जो है सीधा जाके वहाँ पे क्लिक करके और साइन इन कर सकते हैं, ठीक हो गया।
सिंपल सी चीज़ है ऑक्टाफैक्स, इसको यूज़ करने का तरीका और इसका जो बैलेंस डिपॉजिट करने का, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अभी अकाउंट क्रिएशन पे आपको बनाया कि बताया, अभी इसकी जो वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन की वीडियो भी आपको बना के इंशाल्लाह दिखाएंगे कि वेरीफाई किस तरह से करना होता है। ये वेरीफिकेशन स्टेटस है, सेटिंग के अंदर आ रहा है, यहाँ इसको वेरीफिकेशन स्टेटस को जाके हमने यहाँ आईडी जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी होती है, तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।